आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फलाफल टिक्की की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप छोले और इसे एक बार अच्छे से धोने के बाद इसे जस्ट लुक वार्म वाटर में इसे भिगोना है एटलीस्ट 7 से 8 घंटे के लिए, और इसके बाद वापस एक बार इसे धो लेना है। तो ये छोले हमारे परफेक्ट रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चॉपर और इसमें हम सारे छोले डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 15 से 18 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 तीखी वाली मिर्ची, सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्टेम के साथ काफ़ी सारा धनिया, धनिया की जगह आप पार्सले भी डाल सकते हैं, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। तो आप देख सकते हैं अच्छे से दर दरा पीस चुका है। 1 छोटा टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देते हैं और 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप खास ध्यान रखें, बिना पानी आपको इसे ग्राइंड करना है और इसे दर दरा ही ग्राइंड करना, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, वो खास ध्यान रखें। 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी साइज़ की टिक्की बना लेंगे। तो इस तरह से गोला तैयार करना है और हल्का सा इसे प्रेस करना है, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही सारी टिक्की रेडी कर लेते हैं। तो एक साइड मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, वो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम टिक्की डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। और सुनहरा कलर आए तब तक इसे तलना है। फलाफल हमारा रेडी है, इसे हम सर्व करेंगे हमस के साथ। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।